हेलो एवरीवन, दिस इज़ AK22। आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने मेगापिथेकस को हरा दिया था। सैडली हमारे काफ़ी सारे डायनोस मर गए थे मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर बहुत ही नैरो ब्रिज रहता है जहाँ से आपके डायनोस जो हैं, इतने बड़े बड़े डायनोस हो कि वहाँ पर समा नहीं पाते, वो नीचे गिर गए बहुत सारे। पर कोई बात नहीं, मैं और ब्रीड कर रहा हूँ अभी उनको 100%, क्या कहते हैं, इम्प्रिंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं वैसे ही बना सकूँ और हम गामा के लिए जाएँ सीधे, ना बीटा सीधे गामा अल्फ़ा के लिए जाएँ, सॉरी। ओके, तो आज मैं क्या बनाने वाला हूँ जो मैंने अभी तक मिस कर दी। मैं उसे देखता था पर मैं कुछ मुझे पता नहीं था कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। तो उसके लिए जाने वाला हूँ, आज बनाएंगे हम एक क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया उसका, शिट। ओके, लेट्स डू दिस। रुको, उसका नाम, हाँ, एनफोर्सर नाम है उसका। पम 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 बूम, एकदम आयन मैन की तरह हम एंट्री मारते हैं। ओके, तो वो एनफोर्सर बना रहा है जो कि आपके टेक रेप्लिकेटर में बनता है, और मैंने एक बना लिया है पहले ही। मैं उसको देख रहा था कि है क्या आखिर वो, और बना के देखा तो वो इंस्टेंटली बिल्ट हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा रिसोर्स गैदर करना रहता है। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एलिमेंट्स नहीं लगते, ठीक है, दूसरी चीज़ें मिल लगती है। देखो, ये है इन्फोर्सर, इसमें लिखा था असेंबल इन्फोर्सर, पर ये कुछ समझ में नहीं आता इसकी पिक्चर देख के कि ये आखिर है क्या। और इसके लिए आपको 50 क्रिस्टल्स, 500 एलिमेंट डस्ट, 60 मेटल इनगेट, 20 ऑयल एंड 30 पॉलीमर चाहिए। तो मेरे पास इनफ मटेरियल है और हम कल लेकर आए थे इसमें से उसको हरा के एलिमेंट्स। अब हम फार्म कर सकते हैं। ओके, टर्न ऑन करके मैं इसको बिल्ड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कितनी ऑसम चीज़ है ये। आपने वैसे तो देखी होगी 500 लोगों ने इसको। मैं तीन चीज़ें बना सकता हूँ, एक वेपन स्काउट, ये भी नहीं देखा मैंने। तो मैं इन्फोर्सर से स्टार्ट कर रहा हूँ। नॉइस, ये रहा हमारा इन्फोर्सर, इंस्टेंटली बन जाता है ये। अब मैं टैरेट बना पाऊँगा क्या? टैरेट भी बना लेते हैं हम, क्योंकि हमारा फिर ये फालतू में एलिमेंट ख़राब जाएगा। वो स्काउट भी बना सकता हूँ मैं। 70 क्रिस्टल्स चाहिए बस मुझे, देखें 70 क्रिस्टल्स, 15 क्रिस्टल्स चाहिए, इनमें से किसी में रखे होंगे। नाइस, दैट ओके। स्काउट वेपन, ये क्या है? टेक एनग्रम, बाप रे, एक चाहिए रहता है टेक विंडो। मैं को इसको देखना है कैसा है दिखता है ये, तो ये भी बना रहा हूँ एक मैं। गुड, ये बनाना है, पर इसके लिए अभी मैं किसी दूसरे एपिसोड में बनाऊंगा, ठीक है। टेक आर्मर गॉन्टलेट, सॉरी। ओके, अब हम निकालते हैं हमारा इन्फोर्सर, तीनों चीज़ें, इन्फोर्सर विंडो, ओ चार विंडो बनती है। और एक और कहाँ गया, एक और क्या बनाया था हमने? अरे यार, मैंने स्काउट भी बनाया था ना कि नहीं बनाया? स्काउट 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 क्यों नहीं दिख रहा इसमें? ओ ये रहा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये रहे, ये मेरे इन्वेंट्री में आ गया था। ओके, अब इसको मैं स्विच ऑफ कर सकता हूँ। ये क्या है? एक ट्रैप डोर, नहीं ये नहीं चाहिए हमको अभी, ठीक है। बाकी तो फिर बाकी चीज़ें बाद में खुलने वाली है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है और कितना औसम है। मैं इतना सारा ये वेट क्यों लेके घूम रहा हूँ? इनको रखो इसमें, स्ट्रक्चर्स लेके घूम रहा हूँ मैं साथ में। ओके, नॉइस, अब ये देखो, ये है मेरे सेकंड स्लॉट में। आपको बस इसको आपके स्लॉट में डालना है और फिर वो स्लॉट बटन दबाना है। यू टेम्ड एनफोर्सर, ये एनफोर्सर है। इसका नाम देखो क्या है, EQ37A20A547Z लेवल 1 इन्फोर्सर। ये लेवल 1 का है, मैं ये हटाता हूँ पहले, तो हटाओ। ओके, तो आपने अगर ट्रांसफार्मर देखी है तो एक क्रीचर रहता है ट्रांसफार्मर 2 में शायद, उसके जैसा दिख रहा है ये सेम। मुझे पता ही नहीं था कि ये बना सकते हैं हम, और इतनी इजीली बना सकते हैं, और इतना औसम क्रीचर है ना। बस यही है कि ये अभी लेवल 1 का है, और अब इसका यूज़ भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, आपने थाइलोकोलियो देखा है ना, ये थाइलोकोलियो का बाप है साला, सिर्फ क्लाइंबिंग में ये हर किसी सरफेस पे जो है चढ़ जाता है। देखो इसका स्टैमिना गया क्या, लाइक दिस। ए चढ़ो, ये देखो,
यहाँ तक कि स्टीप वॉल, खड़ी वॉल पे चढ़ जाता है ये। एंड क्या अपसाइड डाउन भी चढ़ जाता है ये। कम ऑन, शिट, फिर से घुसेगा कि नहीं? अभी दिखाते हैं। अरे यार यहाँ से घुस नहीं पाऊंगा, मेरे को उस तरफ जाना पड़ेगा। और ये फॉल डैमेज लेता है क्या? नहीं लेता शायद। साला मेरे घर में घुसने की एंट्री बहुत छोटी छोटी है। और इसके दो अटैक्स हैं, एक अटैक, रुको पहले मैं ऊपर जाऊं। ये देखो एक और चीज इसकी बहुत मस्त वाली क्या है, इट कैन टेलीपोर्ट इट सेल्फ। आपको बस राइट क्लिक टच करना रहता है। ये देखो स्टीप वॉल है, कैसी भी खड़ी वॉल है उस पर चढ़ जाता है, ये चिपक जाता है एकदम उस पर। बस अपसाइड डाउन वाला दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो लाइक स्पाइडरमैन, ये दिखाता है कि कितनी दूर आप जा सकते हो उसमें। ये उल्टा लटके हुए हम लाइक स्पाइडरमैन। जी जी क्रीचर है ये एनफोर्सर। रुका हूँ मैं, शिट, रुको रुको मिनट, साला अंदर घुस गया। कहीं पर भी घुस जाता है, सबसे अच्छा है इसका टेलीपोर्टेशन का है। अब मैं देखो कि नीचे तक जा सकता हूँ क्या। देखो ये इसका जो बार दिख रहा है आपको, हमारे टूल बार के ऊपर एक बार दिख रहा होगा, वो टेलीपोर्टेशन का इंडिकेटर है कि यू कैन टेलीपोर्ट और कितनी दूर टेलीपोर्ट कर सकते हैं वो देखना है। नाइस, मतलब आपको अगर स्टीप्स माउंटेन पे चढ़ना है। अब देखो रेड आ गया, अब उस पे ब्लू आ जाएगा। एंड हाउ फार, ये शायद इसकी रेंज है। नाइस, पर इसका अभी अभी क्या है, इसका हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, मैं इसका हेल्थ बढ़ा देता हूँ। देखो कितना इसका स्टैट्स, जो बेस स्टैट्स रहते हैं ये 375 स्टेमिना, 450 एनर्जी। हाँ ये क्या खाता है, ये एलिमेंटल डस्ट खाता है, ठीक है। इसको एनर्जी चाहिए रहती है ना, इसके लिए एलिमेंटल डस्ट इसकी एनर्जी है। इसकी मूवमेंट स्पीड, मेले डैमेज, मैं तो हैवी हेल्थ ही बढ़ाऊँगा इसके। अब जाके लेवल 2 हुआ है, मैंने एक और बना लिया था पहले, मैं आपको दिखाता हूँ किधर है वो। वो खड़ा हुआ वहाँ पे, श्विंग, ये रहा। ये मैंने एक और बना दिया था क्योंकि इनको बनाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं, आराम से बन जाते हैं। नाइस, 2-2 इन्फोर्सर्स। इसका थोड़ा टेक्सचर चेंज है क्या, इसका सिल्वर है, इसका थोड़ा मैटिश ब्लैक, ब्लैक मैट है। हाँ ये दो अलग अलग वेरिएंट है। नाइस, ऐसा क्यों है? ओके, ये मैंने नोटिस नहीं करा, ये थोड़ा सा ब्लैकिश है। यस इट इज़। और ये कितने लेवल का है इसके, देखो कितने बढ़ गए। नाइस, आपको सिर्फ इसको एलिमेंट डस्ट देना पड़ता है, मेरे पास रखा होगा शायद एलिमेंट डस्ट, बताता हूँ। एलिमेंट डस्ट ये रहा, बस आपको इसको खिलाना रहता है, जैसे इसकी एचपी अभी एनर्जी चाहिए तो ये दे दो। ये देखो खाते रहेगा ये बैठ के मेरे को। हाँ इसके मैं मूव्स बताता हूँ आपको, पर मुझे छोटा क्रीचर ढूंढना पड़ेगा नहीं तो ये उड़ा देगा हमको। ये इसका स्लैश अटैक है, ठीक है, लेफ्ट क्लिक से होता है स्लैश अटैक, और राइट क्लिक से तो टेलीपोर्टेशन होता है। वॉइंक, एंड सी से इसका टेल विप है जो कि नॉकबैक शायद करता है। अभी इसका स्टैमिना गया होगा नीचे। यस, देखें इधर है कोई जिसको ये मार सके। एक स्कॉर्पियन दिख रहा है सामने। ओ 5 का डैमेज, ये है इसका नॉकबैक। नॉइस,
ये इसको थोड़ा अनकॉन्शियस करता है क्या? कुछ तो इस पर करता है ये। ओ बाप रे, मरने वाला है, मरने वाला, मरने वाला। नहीं 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 नहीं, ये बिच्छू मार डालेगा इसको। थोड़ा सी एचपी बचा हुआ, निकलो यहाँ से। बच गए। और ये इसमें स्पॉन नहीं होते हैं, तो आपको इन्फोर्सर बनाना है तो आप सिर्फ टेक रेप्लिकेटर में बना सकते हो आइलैंड पे। पर ये कहाँ पर स्पॉन होते हैं, कौन से मैप है, एक्सटिंक्शन में ये स्पॉन होते हैं और वहाँ पर से आप इसको पकड़ सकते हो। इसको पकड़ने का एक मतलब बनाने का एक तरीका है, इनको मारो, हाई लेवल्स के स्पॉन होते हैं और हाई लेवल्स जब भी मरते हैं, कोई सा भी टेक अगर मरता है तो वो उसका इम्प्रिंट ड्रॉप करता है, उतने लेवल का हाई लेवल का इम्प्रिंट ड्रॉप करता है और फिर आप उससे उतने लेवल का एक अपना इन्फोर्सर बना सकते हो, इजी पीजी। पानी में जाता है क्या है? ओके, स्विम करता है क्या? स्विम करना है तो देखना है मुझे, स्विम करता है कि नहीं है। भाई इसका टेलीपोर्टेशन तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। चलो वॉक करता है ये, मतलब स्विम नहीं करता है, सरफेस टू सरफेस जाएगा ये, फ्लोट नहीं होता है जैसे आप जाते हो तो। यस, पानी में टेलीपोर्ट करता है एक, वही ना, ये स्विम नहीं करता है ये देखो, क्योंकि ही इज़ ए मैक, क्रॉलर है, क्रॉलर क्रॉलर। नाइस, वेरी गुड, दैट्स नाइस। ये हमारा मासासोर है, गलायथ, टेक रेप्लिकेटर पहन के रखा, टेक सूट पहन के रखा है इसने। चलो इसको देखो, मैं लेवल अप करूँगा फिर देखते हैं कितना वायबल है ये यूज़ करने में। अच्छा तो लग रहा है, मस्त। मैंने इसको ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया, उसमें दिखाता था, मैंने दो तीन बार देखा भी कि आप इसको बना सकते हो, पर कभी नोटिस नहीं किया इतना कि ये चीज़ हो सकती। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा बॉट हमारे पास मिल जाएगा हमें। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है स्काउट रिमोट। क्या होता है ये, व्हाट द हेक इज दिस थिंग? वेल, व्हाट इज दिस एनीवे? एलिमेंट डस्ट रिक्वायर्ड फॉर स्काउट ऑपरेशन है, एलिमेंट डस्ट बोला ना ये, इसके पास रखा हुआ ना एलिमेंट डस्ट। देखें, एनर्जी शील्ड, 7 एनर्जी पर एलिमेंट, स्पीड मल्टीप्लायर, रेंज है इसकी 25,000 की। आपको मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इसको। अच्छा तो ये ड्रोन है, व्हाट, होली शिट, व्हाट डू, ये पता नहीं था कि ये भी है इसमें। अच्छा स्काउट ड्रोन है क्या ये, पर बहुत ज़्यादा एलिमेंट टेस्ट ले रहा है वो। आई कैन बीम एनीथिंग, इसका इन्वेंटरी दिखाता है क्या? नहीं दिखाता है। और क्या कर सकता है ये थर्स्ट है शायद। ओ ये रहे, यहाँ पर पैंथर घूम रहा है एक। टैग करता है कि ओ दैट्स इम्प्रेसिव। नियरिंग स्काउट ऑपरेशन, अच्छा ओके, तो ये एक ऑफिशियल स्काउटर है। स्काउट मतलब कि ये पेट्रोलिंग पे जाता है और कोई भी अगर आपके पास एनिमीज हो तो उनको मार्क कर लेता है, जैसे उसने उसको मार्क करके रखा है सेबर को, वो मैप में भी दिखाता है। और हम इसमें फ्रेंडलीज को स्काउट कर सकते हैं क्या, मार्क कर सकते हैं? यस वी कैन। ये देखो इसके ऊपर दिख रहा है, हमारे कैंगरू के ऊपर एक निशान दिख रहा है, ये रहे हम। हेलो, हम हमारे सेल्फ को भी मार्क कर सकते हैं, गुड, टैग कर रहे हैं। और क्या है इसमें? ओह ये बूस्ट है, पर बहुत ज़्यादा लेता है ये। डिसेंड का है, ये असेंड का है,
What else? That's it. कहाँ गया वो बॉट? ए ओह शिट वाओ ये तो हैरी पॉटर की बॉल जैसा है सेम अरे यार 20 स्काउट्स और चाहिए खत्म हो गया इसके पास बहुत ज़्यादा यूज़ करता है मुझे ये देखने दो ये कैसा है टरेट हाउ इज दैट वर्क इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ लगा रहे कहाँ लगाया जाए इसको ऊपर बालकनी पे लगा सकते हैं हम हमारी यहाँ पर दिस इज द बेस्ट प्लेस यही ना बात इसका मुंह किस तरफ रहना चाहिए नॉइस पर कितने कूल कूल इसमें है चीजें एक्सेस इन्वेंटरी पिकअप टरेट नहीं रीनेम टरेट इसमें क्या लगता है रुको बुलेट्स जीरो है ओनली सर्वाइवर और टेम्ड क्रीचर्स टारगेटिंग अच्छा अनपावर्ड है मैंने ये पहले नहीं देखी है पर बहुत मस्त लग रही है इसके लिए बुलेट्स कौन सी लगती होगी शायद नॉर्मल बुलेट्स चलाता हुई देखो मेरे पास एलिमेंटल डस्ट पड़ा हुआ है क्या या फिर बुलेट्स पड़ी हुई है क्या कहीं पर बुलेट्स 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 नॉर्मल बुलेट्स नहीं ये मेरे को और कलेक्ट करके लेकर आना पड़ेगा एलिमेंटल डस्ट सैड कोई नहीं पर हमें दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल गई है और इजी है और थोड़ा यूज़फुल रहता है यार अगर लेट गेम हम इसे बनाए तो ओके नाइस चिंग रुको मैं अगर थर्ड पर्सन में मैं जाके इसको करूँ तो कैसा दिखता है ये शुइंग एकदम ट्रांसफॉर्मर में एक है एक क्रीचर रहता है जो सेम इसकी तरह दिखता है हमारे एनफोर्सर की तरह पर बस यही है कि इसका लेवल बहुत कम रहेगा तो आप इससे बड़ी बैटल्स नहीं करा सकते छोटे मोटे डायनोस को मरवा सकते हो ईजी पीजी ओके तो इस एपिसोड में इतना ही हमने एक इन्फोर्सर बनाया एक स्काउट बनाया बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो पीवीपी एलिमेंट्स में ज़्यादा मदद करती पीवी में इतना मदद नहीं करती है पीवीपी में बहुत ज़्यादा अच्छी मदद करती है ये सब चीज़ें इन्फोर्सर हुआ आपका टरेट हुआ स्काउट हुआ पीवीपी बैटल्स या आपको रेड करनी है ना तो उनके लिए ये बेस्ट टैक्स है क्योंकि हमने बनाए हैं अभी देखो मैं अल्फ़ा को हराता हूँ मैं मेगापिथिकस अल्फ़ा को हराऊंगा तो मुझे क्या मिल सकता है ओके तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में आर्क सर्वाइवल लॉर्ड के और देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं ओके सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय सी या